हेलो फ्रेंड्स, मैं हरेन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज हम लोग सीखने और सिखाने की इस अगली कड़ी में आज नरेशन के प्रैक्टिस सेट 5 का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स परीक्षा के दृष्टि से और परीक्षा के समय आपको रिपीट करने के लिए, रिवाइज करने के लिए मैं जो है प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहा हूं। इसके 4 प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड कर दिए हैं। इस वाले में हम लोग नरेशन के प्रैक्टिस सेट 5 का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स तो आइए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट है द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, मालिक ने अपने नौकर से कहा ब्रिंग मी अ कप ऑफ मिल्क, मुझे एक कप दूध दो। क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे सेंटेंसेस जो आज दिए हैं, नरेशन के जो भी एग्जांपल दिए हैं, ये सारे इंपरेटिव सेंटेंस के हैं। और आप जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट प्रकट होता है, प्रार्थना, सलाह और आज्ञा प्रकट होती है। तो पहला वाक्य है द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, मास्टर ने अपने नौकर से कहा ब्रिंग मी अ कप ऑफ मिल्क, मुझे एक कप दूध लाओ। अब देखिए इसमें क्या है, मास्टर द्वारा नौकर को क्या किया जा रहा है, मास्टर ने नौकर क्या करेगा, ऑर्डर देगा, आदेश देगा। तो आप जानते हैं कि यदि ऑर्डर प्रकट होता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। यदि सलाह प्रकट होता तो हम इसको एडवाइस में बदल देते हैं, और प्रार्थना प्रकट होती है तो हम इसको रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तो द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, अब क्या करेंगे, जहां पर ये समाप्त होगा और रिपोर्टिंग स्पीच चालू होगा। रिपोर्टिंग स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच का जो वाक्य होता है वो हमेशा फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट होता है, क्रिया से स्टार्ट होता है। तो हमको कुछ नहीं करना है, इसको लिखने के बाद जो जहां क्रिया रहेगी बस हम टू लगाएंगे, टू लगा करके बाकी सेंटेंसेस को उसी तरह चेंज कर देंगे। अब प्रोनाउन का और बाकी जो चेंजेस हैं वो होते रहेंगे जैसे पिछले नियमों पर आधारित थे। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये जहाँ ये स्टार्ट है और जहाँ ब्रिंग चालू है, तो यहाँ पर जो है यहाँ टू लगाएंगे, फिर ब्रिंग। अब यहाँ देखिए मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ मास्टर है, मास्टर थर्ड पर्सन में है और थर्ड पर्सन का हम यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, हमको बदलना है मास्टर के अनुसार, इसके अनुसार बदलना है। तो ये थर्ड पर्सन का है तो हम थर्ड पर्सन का यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट ही होता है और ऑब्जेक्ट हिम होता है, पजेसिव हीज होता है, रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ होता है। तो हमको यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मी का हिम हो गया है, अ कप ऑफ मिल्क। मालिक ने नौकर को आदेश दिया एक कप दूध लाने के लिए, इसका अर्थ होगा। दूसरा ही सेट टू मी, उसने मुझसे कहा काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। ही सेट टू मी, उसने मुझसे कहा काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। तो काइंडली लगा है तो आप जानते हैं जब काइंडली लग जाता है तो हम इसको प्रार्थना प्रकट हो रही है तो सेट को हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, ही रिक्वेस्टेड मी। अब क्या करेंगे, अब काइंडली हटा देंगे, इसलिए क्योंकि काइंडली का और भावार्थ जो है रिक्वेस्ट लगाने से आ जा रहा है तो काइंडली को हटा देते हैं, काइंडली आए या प्लीज आए तो उसको हम हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, अब जहां क्रिया स्टार्ट है, देखो अब यहाँ जहां ये समाप्त हो रहा है जहां क्रिया, उसके बीच हम टू का प्रयोग करेंगे, ये टू हेल्प रहेगा। अब यहाँ पर मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, था ही के अनुसार बदलेगा, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। आए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन बॉयस, बैठ जाओ एंड लर्न योर लेसन वाइज, लड़को अपना पाठ याद करो, सेड द टीचर, अध्यापक ने कहा कि लड़को बैठ जाओ और अपना पाठ याद करो। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या करता है, ऊपर वाले में क्या था, रिपोर्टिंग पार्ट पहले था और रिपोर्टेड स्पीच बाद में, रिपोर्टेड पार्ट जो है बाद में था। देखिए इसमें क्या किया है, इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है उसको पहले दे दिया है और रिपोर्टिंग पार्ट बाद में, तो हम जब चेंज करेंगे तो ठीक उसको सही क्रम में कर लेंगे। तो टीचर ने किससे कहा कि बैठ जाओ और अपना लेसन याद करो, बॉयज लड़कों से कहा। तो ये हम क्या करता है, कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच में चला आता है तो हम जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसको इसकी साइड में लेते आएंगे। तो इस तरह होगा, देखिए द टीचर, अब टीचर ऑर्डर, टीचर है तो ऑर्डर देगा, तो सेड को हम ऑर्डर में चेंज कर देंगे। द टीचर ऑर्डर द बॉयज, टीचर ने लड़कों को आदेश दिया। अब इतना हो गया, अब इसके बाद क्रिया के पहले टू लगाएंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, टू सिट डाउन एंड लर्न
अब यहां पर देखिए लर्न योर को देयर में चेंज कर दिए, क्यों? क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के पजेसिव में है और सेकंड पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? बॉयज है, बॉयज है, तो बॉयज के अनुसार बदलेगा। तो बॉयज, बॉय जो थर्ड पर्सन में है इसलिए हम यहां पर देयर कर दिए। अगर यहां केवल बॉय रहता तो वहां पर हिज करते, या कोई लड़की रहती तो वहां पर हर करते। ध्यान दीजिएगा बॉयज प्लूरल, इसलिए वहां पर देयर किए। नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड टू हिम, टीचर ने उसे कहा कि रिमेन स्टैंडिंग, खड़े रहो। टीचर ने, द टीचर सेड टू हिम, टीचर ने उसे कहा कि रिमेन स्टैंडिंग, खड़े रहो। अब टीचर क्या है, ऑर्डर दे रहा है, तो सेड को हम चेंज कर देंगे, द टीचर ऑर्डर्ड हिम, द टीचर ऑर्डर्ड हिम, टीचर ने उसे आदेश दिया। अब क्या, अब क्रिया के पहले जो है टू लगा करके वाक्य को ले लेंगे। अब इसको यहां पर टू लगाएं, जहां पर रिपोर्टिंग वर्क खत्म हो, रिपोर्टिंग स्पीच चालू हो, तो यहां पर टू रिमेन स्टैंडिंग। नेक्स्ट देखिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, डू नॉट टेक बटर, मक्खन मत लो, वाइल, जबकि यू आर अंडर माई ट्रीटमेंट, तुम मेरे उपचार के अंतर्गत हो, मतलब तुम्हारा मेरे अंदर उपचार चल रहा है, तो तुम बटर मत लो, बटर मत खाओ। अब इसमें क्या है, डॉक्टर है, देखिए जब डॉक्टर इसका मतलब एडवाइस करेगा, तो हम क्या करेंगे यहां पर, यहां सेड को जो है एडवाइस में चेंज कर देंगे। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, पेशेंट एडवाइज, अब क्या करेंगे, जहां डू नॉट रहता है, जिसमें लगा रहता है, तो हम क्या करते हैं, डू को हटा देते हैं और नॉट के तुरंत बाद टू लगाते हैं। देखिए डू को हटा दिए, नॉट के तुरंत बाद ये टू का प्रयोग करेंगे, बाकी सेंटेंसेस को लिख देंगे, नॉट टू टेक बटर, वाइल, वाइल। अब यहां पर देखिए, यू आर अंडर माय ट्रीटमेंट, तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात पेशेंट के अनुसार बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर ही हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट थर्ड पर्सन में है, ही, और इज आर एम चेंज हो जाते हैं वाज और वर में, तो ही के साथ वाज का प्रयोग होगा, ही वाज अंडर। अब यहां पर देखिए ये भी चेंज होगा, माई फर्स्ट पर्सन का पजेसिव है, फर्स्ट तो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट ऐसा, डॉक्टर के साथ बदलेगा, तो डॉक्टर थर्ड पर्सन में आता है, तो इसका पजेसिव क्या हो जाएगा, इसका पजेसिव हिज हो जाएगा, हिज ट्रीटमेंट। इसका अर्थ हुआ कि डॉक्टर ने, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट को सलाह दिया नॉट टू टेक बटर, बटर न लेने के लिए, वाइल, जबकि ही वाज अंडर सिस्टम, जबकि वह उसके ट्रीटमेंट के अंतर्गत चल रहा है, या उसके उसका उनकी उसके अंतर्गत उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स देखिए, द सेज सेड, साधु ने कहा, ट्रस्ट इन गॉड, भगवान में विश्वास करो, एंड डू द राइट, और सही करो, मतलब सही काम करो, ट्रस्ट इन गॉड, भगवान में विश्वास करो, एंड डू द राइट, और सही काम करो, साधु ने कहा। अब साधु है, वाक्य से भी लग रहा है, तो उसका वाक्य से भी लग रहा है कि भगवान विश्वास करो, सही काम करो, तो मतलब एडवाइस कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेज को ये एडवाइस में चेंज कर देंगे, द सेज एडवाइस्ड, साधु ने सलाह दिया। अब देखो ट्रस्ट है, क्रिया के पहले टू लगा करके लिखेंगे, टू ट्रस्ट यहां पर रहेगा, टू थोड़ा सा इरेज हो गया है, टू ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, साधु ने सलाह दिया टू ट्रस्ट इन गॉड, भगवान विश्वास करने के लिए, एंड डू द राइट, और सही काम करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, द मदर, यह है, द मदर सेड टू हर डॉटर, मां ने अपने लड़की से कहा, डू नॉट प्ले आउटसाइड इन द सन, बाहर धूप में मत खेलो। माँ ने अपनी लड़की से कहा कि बाहर धूप में मत खेलो, तो माँ अपनी लड़की को सलाह दे रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सेड को हम एडवाइस में चेंज कर देंगे, द मदर एडवाइज हर डॉटर। अब क्या करें, डू नॉट लगा है, सॉरी, द मदर एडवाइज हर डॉटर, अब क्या करेंगे, डू नॉट लगाए, तो डू नॉट से डू को हटाएंगे, नॉट के बीच में टू लगाएंगे, नॉट टू प्ले आउटसाइड इन द सन, कह रहा है कि माँ ने अपने पुत्री को सलाह दिया नॉट टू प्ले आउटसाइड इन द सन, बाहर धूप में न खेलने के लिए। सॉरी फ्रेंड्स, बच्चा था इसलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। अगला है, नीचे के लेसन टू मी, मेरी बात सुनो, व्हेन आई टीच यू, जब मैं तुमको पढ़ाता हूँ, सेड द टीचर टू अस, टीचर ने हमसे कहा, लिसन टू मेरी बात सुनो, व्हेन आई टीच, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, सेड द टीचर टू अस, टीचर ने हमसे कहा। तो अब इसमें देखिए, टीचर, अब टीचर है, तो
ऑर्डर देगा। तो अब इसमें देखिए, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच वाला पहले दे दिया था और रिपोर्टिंग पार्ट बाद में, तो हम जब इसको चेंज करेंगे दरअसल में तो हम क्रम में कर लेंगे। तो इस तरह होगा द टीचर, अब टीचर है तो आदेश देगा, तो सेट को हम ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, द टीचर ऑर्डर्ड अस, टीचर ने हमें आदेश दिया। अब फिर क्रिया के पहले लिसन के पहले टू लगाएंगे, टू लेसन, अब मी फर्स्ट पर्सन है तो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ साथ टीचर के अनुसार, और मी ऑब्जेक्ट है तो टीचर, टीचर जो टीचर थर्ड पर्सन में है तो यहाँ पर हिम हो जाएगा, टू लिसन हिम। अब देखिए यहाँ पर ये है वेन आई टीच, जब मैं पढ़ाता हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हम चेंज करेंगे इसमें पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये हो जाएगा वेन, वेन ही, और पास्ट इंडेफिनिट क्रिया का सेकंड फॉर्म रहेगा अर्थात वेन ही टाट, इस तरह हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आइए कुछ और एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। देखिए अगला है कि द लैंडलॉर्ड सेड टू द फार्मर, कह रहा है कि जमींदार ने सेड टू द फार्मर, किसान से कहा गो अवे, चले जाओ फ्रॉम हियर, यहां से चले जाओ, एंड डू नॉट शो मी योर फेस अगेन, और मुझे पुनः अपना चेहरा मत दिखाना। जमींदार ने किसान से कहा कि यहां से चले जाओ और मुझे पुनः अपना चेहरा मत दिखाना। अब देखिए यहां पर जमींदार है तो किसान से कह रहा है, तो इसका तो सेड को किसमें चेंज करेंगे, ऑर्डर दे रहा है तो हम सेड को ऑर्डर्ड में, द लैंडलॉर्ड ऑर्डर्ड द फार्मर, जमींदार ने किसान को आदेश दिया। अब देखिए हमने बताया कि जो क्रिया है जहां पर रिपोर्टिंग वर्ब खत्म होता है, रिपोर्टेड स्पीच चालू होता है, तो जो क्रिया उसके बीच में टू लिखते हैं, यहां पर टू बाकी क्रिया भी लिखते हैं, टू गो अवे फ्रॉम, फ्रॉम हियर का देयर, एंड अब बताए डू नॉट जहां रहता है तो उसमें इसमें से डू हटा देते हैं, डू हटा देते हैं, नॉट के बाद टू लगाते हैं, तो नॉट टू सो। अब यहां पर मी फर्स्ट पर्सन है तो मी फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ लैंडलॉर्ड के साथ, तो लैंडलॉर्ड थर्ड पर्सन में है, और तो थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्योंकि यहां पर मी जो है ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा यहां पर मी का हिम हो जाएगा। अब यहां पर योर देखिए सेकेंड पर्सन का पजेसिव है, तो सेकेंड पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ड के ऑब्जेक्ट के साथ बदलेगा, सेकेंड पर्सन योर बदलेगा फार्मर के अनुसार, तो फार्मर जो है थर्ड पर्सन में है, और ये देखिए पजेसिव है, तो थर्ड पर्सन का पजेसिव क्या होगा, थर्ड पर्सन का पजेसिव हिज होगा, तो हिज फेस अगेन, इसका अर्थ है द लैंडलॉर्ड ऑर्डर द फार्मर, जमींदार ने किसान को आदेश दिया टू गो अवे फ्रॉम देयर, वहां से चले जाने के लिए, एंड नॉट टू शो हिम हिज फेस अगेन, पुनः उन्हें उसका अपना चेहरा न दिखाने के लिए। अगला देखिए ही सेड टू अस, उसने मुझसे कहा कि कीप क्वाइट शांत रहो, He said to us, उसने मुझसे कहा कि keep quiet, शांत रहो। अब देखिए इसमें आदेश दिया जा रहा है, तो he advised us, उसने हमसे कहा to keep quiet, शांत रहने के लिए। और एक चीज मैं और बता दूं आपको, जब कभी ऐसा शब्द आ जाए कि जब न समझ में आए कि ऑर्डर है कि एडवाइस है, तो आप उसके स्थान पर ask का प्रयोग कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, जब न समझ में आए तब। अगला देखिए मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा डू नॉट ड्राइव फास्ट, तेज मत चलाओ, एज द रोड इज वेरी बिजी, जैसा कि सड़क बहुत व्यस्त है, तो मालूम है ये एडवाइस प्रकट हो रहा है, सलाह है, तुम क्या करेंगे सेड को एडवाइस में, मोहन एडवाइस मी। अब डू नॉट बताएं कि डू नॉट रहेगा तो उसमें से डू हटेगा, नॉट के बाद जो है नॉट के बाद टू का प्रयोग होगा, तो नॉट टू ड्राइव फास्ट एज द रोड इस, अब यहां पर इज है, इस आर और एम जो है चिंता है वाज में, तो रोड के अनुसार वाज लेगा वेरी बिजी। लास्ट देखिए आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा प्लीज डू मी अ फेवर, कृपया मेरा एक काम करिए, आई सेड टू, मैंने उनसे कहा प्लीज डू मी अ फेवर, कृपया मेरा एक काम करिए, तो अब देखिए यहां पर प्लीज लगा हुआ है, क्या मतलब रिक्वेस्ट है, तो हम क्या करेंगे सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, आई रिक्वेस्टेड हिम, अब प्लीज हट जाएगा क्योंकि इसका अर्थ रिक्वेस्टेड से स्पष्ट हो जा रहा है, अब डू के पहले टू लगाएंगे, टू डू, अब देखिए यहां पर मी है, मी को हिम बदले हैं, इसलिए क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन है तो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सॉरी फ्रेंड्स यहां पर मी ही रहेगा, थोड़ा सा गलत, ठीक है यहां पर मी है, ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां पर अब चूंकि ऑब्जेक्ट है तो यहां पर मी ही रहेगा, टू डू मी अ फेवर। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा,
अभी कुछ बचे हैं ऑपरेटिव और सेमेंट्री के, तो एक दिन मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, दो तीन दिन में। और एक मिक्स्ड, जो मिक्स्ड पूछता है सभी का मिला करके, तो उसको भी मैं एक दिन एक्सप्लेन करूंगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स परीक्षा होने तक इसी तरह मुझसे कनेक्टेड रहिए, निश्चित रूप से आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।